नमस्ते, मैं डॉक्टर निधि बाला, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ, आपके पार्क हॉस्पिटल पानीपत में कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे कि डिलीवरी के बाद महिलाओं को और बच्चों को जो दिक्कतें होती है, जो स्तनपान में दिक्कत होती है, उसको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। सबसे पहले तो जो माँ का पहला दूध होता है वो बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, वो बच्चे के लिए अमृत के जैसे होता है। उसमें पहले कुछ दिन जो रहता है, पहले 2 दिन तक माँ को पीले रंग का गाढ़ा कलर का दूध आता है, जिसको हम सोचते हैं कि वो अच्छा नहीं है, कि उसके अंदर बच्चे की भूख लगेगी, मिटेगी नहीं मिटेगी, क्या होगा उसमें। तो उसमें सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा उसके वो बच्चे के लिए एक अमृत के जैसे होता है। उसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं, जैसे IgG, IgE होता है, जो बच्चे को सारे जो खसरा होता है या पेट की जो बीमारियां होती है, जो पेशाब की बीमारियां रहती है या पेट साफ नहीं होता, उससे उसको बचाता है, उससे उसको मदद करता है। 2 दिन के बाद फिर अगले दिन, तीसरे दिन से शुरू होता है माँ को दूध आना, जो कि सफेद रंग का होता है। माँ को किसी भी रंग का दूध आए, चाहे वो पीले रंग का हो, चाहे वो सफेद रंग का हो, चाहे वो किसी भी रंग का हो, अगर वो माँ उसको हर 2-2 घंटे में पिलाती है, एवं रात को भी उठ उठ के 2-2 घंटे से बच्चे को स्तनपान करना बहुत जरूरी होता है। तो ये बच्चे के विकास के लिए आगे उसको बाकी बीमारियों से भी बचाता है, जैसे मधुमेह की बीमारी होना, ब्लड प्रेशर की बीमारी होना, या फिर आगे उसको कि डायबिटीज हो जाता है, उससे भी बच्चे को बचाती है। तो हर माँ को अपने बच्चे को ये दूध पिलाना चाहिए, चाहे वो डिलीवरी की नॉर्मल डिलीवरी हो, चाहे वो सिजेरियन डिलीवरी हो। अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो उसको वो बच्चे को दूध 1 घंटे के अंतराल के अंदर ही पिलाना चाहिए, और अगर सिजेरियन हुआ है तो उसको कम से कम 4 घंटे के अंतराल के अंदर उसको वो बच्चे को दूध पिलाना आवश्यक है। इससे बच्चे का और माँ के बीच में जो संबंध रहता है वो भी अच्छा रहता है, प्रेम पूर्वक संबंध जो रहता है वो बनता है। अगर इन केस जैसे माँ को भी इसके कारण फायदे होते हैं, जैसे माओं को इसके कारण से जो स्तनपान का कैंसर रहता है या अंडाशय का जो कैंसर रहता है, उसकी भी संभावनाएं एज कंपेयर टू जो माँ दूध नहीं पिलाती है, उनके कंपैरिजन में उनको कम रहता है। और इसमें ये भी देखा गया है कि जो माँ एक बच्चे को दूध पिलाती है तो उसके कारण उसके आपस में जो उनका बॉन्ड बनता है वो भी अच्छा रहता है। कई बार क्या होता है, माँ नहीं पिला पाती है, उसके कारण दादी जो रहती है, नानी रहती है, या कोई भी अदर जो रहता है, वो अगर उसको दूध पिलाता है तो उसके कारण भी उनके बीच में अच्छा बॉन्ड बनता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि इसको बच्चे को दूध मिलना जरूरी है। इससे और क्या रहता है कि बच्चे को साथ में जो हम माँ जो दूध पिलाती है उसके कारण से बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट है, जो उसका बाकी जो आंतड़ियों का डेवलपमेंट रहता है, वो भी अच्छा होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और बच्चे को जैसे जो टीके वगैरह रहते हैं वो भी हमको टाइम से लगवाना चाहिए। बाकी सारी जो रहती है माँ का जो डिलीवरी रहता है, उस दौरान जो माँ का रक्त स्राव रहता है उसके अंदर भी उसको फायदा रहता है। जो इंडिया में रहता है कि अनीमिया बहुत ज़्यादा है गांव की औरतों के अंदर या शहर की औरतों के अंदर, क्योंकि जब डिलीवरी होती है, डिलीवरी के कारण कम से कम 5 से 1000 ml के अराउंड जो ब्लड लॉस होता है, तो उसके कारण भी माँ के खून की मात्रा बढ़ने में उसको सहायता करती है। माँ का इसके कारण से वजन घटता है, और माँ का जो नॉर्मल वेट रहता है प्रेगनेंसी से पहले वाला, वो उसको जल्दी हासिल कर पाती है। जो नहीं दूध पिलाते हैं उनके कारण ये लंबा रहता है। माँ के अंदर जो चर्बी की मात्रा रहती है वो भी प्रेगनेंसी के कारण से बढ़ जाती है। जो अगर माँ अगर अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उसके कारण से वो जल्दी घटता है। कम से कम हमें पहले जो 6 महीने होते हैं माँ को सिर्फ अपना ही दूध देना है, उसके बाद 6 महीने के बाद बच्चे को ऊपरी वाला खाना वगैरह हम दे सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर हम देखा जाए तो ये 1 साल तक भी पिला सकती है माँ, और 2 साल तक के बच्चे को भी ये दूध जो रहता है हम दे सकते हैं। बाकी कुछ जानकारी रहती है, जो भी आपको दिक्कतें रहती है औरतों को, जैसे रसोली की दिक्कत हो गई, कोई गांठ की दिक्कत हो गई, पीरियड में कोई डेट में कोई दिक्कत हो गई, अपनी जो मासिक आता है उसमें कम आता है या ज्यादा आता है या कुछ भी रहता है, उसकी जानकारी के लिए आप मुझसे पार्क हॉस्पिटल पानीपत में आकर के संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।